बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना नाम बना चुकी ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा अपनी शादी के बाद पति अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं। यूं तो निक जोनस अपने गानों से मशहूर हैं, लेकिन भारत में उन्हें पहचान प्रियंका चोपड़ा के अफेयर की खबरों के चलते ही मिली है। दोनों ने पिछले साल ही शादी की है और आज दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। निक जोनस अपने गानों और फिल्मों के कारण तो चर्चाओं में रहते ही हैं और इसके अलावा निक की लव लाइफ भी खासा सुर्खियों में रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन निक ज्यादातर अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। इन्होंने अपनी उम्र में कभी हम उम्र लड़कियों को डेट नहीं किया। कोई रिश्ता उम्र में बड़ा तो कोई छोटा था। शायद यही कारण है कि इन्होंने अपना हम सफर भी 10 साल बड़ी प्रियंका चोपड़ा में चुना। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा से पहले निक जोनस का इन अभिनेत्रियों के साथ भी अफेयर रह चुका है। चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, माइली साइरस। टीवी और फिल्म एक्ट्रेस माइली साइरस निक जोनस की पहली गर्लफ्रेंड थी। दोनों की मुलाकात एक चैरिटी इवेंट में हुई थी। वर्ष 2006 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। उस समय निक महज 13 साल के थे, जहां इन्होंने इन सभी बातों का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था और उन्होंने बताया था कि माइली पहली ऐसी लड़की थी जिसे मैंने किस किया था। उन्होंने अपनी पहली किस के बारे में बताया कि उन्होंने माइली को हॉलीवुड की कैलिफोर्निया पिज्जा किचन के बाहर किस किया था। दोनों का संबंध लगभग 2 साल तक रहा था। नंबर 2, सेलेना गोमेज। माइली साइरस से ब्रेकअप के बाद निक की लाइफ में सेलेना गोमेज की एंट्री हुई। जहां असल मायने में सेलेना निक की म्यूजिक वीडियो में काम कर रही थी और इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन सेलेना और निक का रिश्ता कुछ समय बाद ही टूट गया था। आपको बता दें कि सेलेना का अफेयर जस्टिन बीबर के साथ भी रह चुका है। नंबर 3, डेल्टा गोटम। सेलेना के बाद निक की लाइफ में डेल्टा के रूप में एक नई अभिनेत्री की एंट्री हुई और साल 2012 में निक का नाम सिंगर डेल्टा के साथ भी जुड़ा। डेल्टा एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर है, लेकिन इस रिश्ते का हश्र भी उनके बाकी अफेयर्स की तरह ही हुआ। दोनों का अफेयर ज्यादा लंबा नहीं चल सका, जहां लगभग 10 महीने बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। और दिलचस्प बात तो ये है कि डेल्टा निक से उम्र में 8 साल बड़ी थी। नंबर 4, ओलिविया। डेल्टा के बाद निक का नाम प्रसिद्ध मॉडल ओलिविया के साथ जुड़ा, जहां साल 2013 में दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों का संबंध लगभग 2 सालों तक चला था। साल 2015 में निक और ओलिविया के रिश्ते का अंत हो गया था, लेकिन इन सभी के बाद इनकी लाइफ में प्रियंका चोपड़ा ने एंट्री ली। नंबर 5, प्रियंका चोपड़ा। ओलिविया से अलग होने के बाद इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को डेट करना शुरू किया, जिसके चर्चे दुनिया भर में हुए। फिर दोनों ने साल 2018 दिसंबर में शादी कर ली, जहां प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से 10 साल बड़ी हैं। निक की लव लाइफ को देखकर एक बात तो तय है कि निक का रिश्ता किसी के साथ भी ज्यादा लंबा नहीं चला। ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि प्रियंका के साथ निक अपने रिश्ते को कब तक निभा पाते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या निक जोनस औरों की तरह प्रियंका चोपड़ा को भी वक्त के साथ छोड़ सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।